डोमेनिका चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल में है एंटीगुआ से डोमैनिका पहुंचे मेहुल चौकसी को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है उम्मीद ये थी कि कोर्ट से मेहुल चौकसी को भारत आने की इजाजत मिलेगी लेकिन बता दें कि जब एंटीगुआ से फरार हुए मेहुल चौकसी को डोमेनिका में पकड़ा गया था तब भारत से एक स्पेशल जेट वहां पहुंचा था साथ ही भारतीय अफसरों की एक टीम भी वहां पहुंची थी ताकि मेहुल चौकसी को भारत वापस लाया जा सके और कोर्ट में दलीलों को दिया जा सके लेकिन मेहुल चौकसी को लेकर डोमेनिका की दो अलग अदालतों में अलग अलग मामले चल रहे हैं ऐसे में जब तक ये मामले खत्म नहीं हो जाते तब तक मेहुल चौकसी को भारत लाना मुश्किल है दरअसल की मजिस्ट्रेट अदालत में मेहुल चौकसी पर देश में अवैध रूप से घुसने के आरोप में ये केस चल रहा है जबकि हाई कोर्ट में मेहुल चौकसी ने याचिका डाली है और पुलिस पर उसे अवैध रूप से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है ऐसे में मेहुल चौकसी की मांग है कि उसे उसके देश यानी एंटीगुआ ही भेजा जाए यही कारण है कि अब जब तक ये मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते या इनमें किसी तरह के आदेश या निर्देश अदालत की तरफ से कोई फैसला खासतौर पर अगर नहीं आ जाता तब तक मेहुल चौकसी की भारत वापसी पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है साथ ही आपको बता दें गुरुवार को डोमिनिका की अदालत ने इस पूरे मामले में सुनवाई टाल दी है और अब ये माना जा रहा है कि अगली सुनवाई एक जुलाई को की जाएगी तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के नए केसों की संख्या कम हो रही है कोरोना की दूसरी लहर ने जो ऐसी तबाही मचाई थी अब उससे राहत मिलती भी देखी जा रही है ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत करने के और कदम बढ़ा दिया है ऐसे में महाराष्ट्र में भी पहले अनलॉक की बात कही गई थी लेकिन बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया है इसके साथ साथ कर्नाटक में भी अभी सख्ती जारी है और फिलहाल आपको बता दें कि बंगाल में कुछ ढील भी दी गई है इसी के साथ ही आपको बता दें आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कहां पर अनलॉक की प्रक्रिया से यू टर्न ले लिया गया है ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अब अनलॉक मुश्किल होता नजर आ रहा है कई राज्यों ने अनलॉक के फैसले से यू टर्न ले लिया है इसमें आपको बता दें कोरोना के कारण सबसे प्रभावित रहे महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है जहां महाराष्ट्र में लंबे वक्त से लॉकडाउन लगा हुआ है और बीते दिनों पहले ये खबर सामने आई थी कि महाराष्ट्र में पांच चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसमें अलग अलग लेवल भी तय किए गए थे कुछ जिलों में तो पूर्ण रूप से अनलॉक की बात भी कही गई थी ऐसे में पहले डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री विजय ने अनलॉक की बात कही लेकिन कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय से यह सफाई दी गई कि अभी अनलॉक शुरू नहीं हुआ है यानी महाराष्ट्र में जिस तरह से सख्ती चली आ रही है तो वहां पर अभी भी यही सख्ती जारी रहेगी प्रतिबंध जारी रहेंगे महाराष्ट्र के बाद आपको बता दें कि महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल में भी कुछ छूट की बात की गई थी महाराष्ट्र के बाद फिर पश्चिम बंगाल का नाम भी सामने आया था जहां पर लॉकडाउन से छूट देने की बात की गई थी ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि बंगाल में अब पांच से आठ बजे तक की रेस्टोरेंट खुल सकेंगे हालांकि सभी स्टाफ को वैक्सीन लगी होनी चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है लेकिन इसके बावजूद अब जो है अनलॉक करने से हिचकते हुए नजर आ रहे हैं जिलों में पांच प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण की दर बढ़ने लगी है बता दें महाराष्ट्र में अभी भी अनलॉक शुरू नहीं किया गया है साथ ही पश्चिम बंगाल में भी कुछ छूट की बात कही गई है लेकिन अभी अभी भी जो है पश्चिम बंगाल में पूर्णतः अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है साथ ही आपको बता दें नाइट कर्फ्यू और हर रविवार को जनता कर्फ्यू अभी भी पश्चिम बंगाल में जारी रहेगा जिलों में पांच प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण की दर बनी हुई है आपको बता दें होम डिलीवरी के लिए भी रेस्टोरेंट्स खुले जाएंगे लेकिन कम संक्रमण वाले रेस्टोरेंट्स को ही खोला जा सकेगा आपको बता दें कम संक्रमण फैले इसलिए कम रेस्टोरेंट्स को ही खोला जा सकेगा पश्चिम बंगाल में कुछ छूट की बात आपको बता दें की गई थी लेकिन इसके बावजूद पूरी तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू नहीं की गई है हालांकि जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाने की बात सामने आ रही थी इसी के साथ ही कर्नाटक में भी ऐसी ही शक्ति देखने को मिल रही है जहां पर अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है